हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज अपन रामस्वरूप जी गुज्जर के बारे में। सबसे पहले रामस्वरूप जी गुज्जर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि रातों रात वो फेमस हो गए हैं। उनको रातों रात 9.5 लाख जनों ने उनको फेमस कर दिया और वो फेमस हो गए हैं। रामस्वरूप जी गुज्जर की क्लिप सभी जगह खूब वायरल हुई। उनका वीडियो जिस मकसद से बनाया है शायद वो काम कर गया, पर ये हुआ उसमें कि वो ट्रक जो था वो रामस्वरूप जी गुज्जर का नहीं था। रामस्वरूप जी गुज्जर के होटल पर वो ट्रक आया था पंचर के लिए, और पंचर निकलवाने के टाइम पे जब रामस्वरूप जी गुज्जर वहीं पे मौजूद थे तो उन्होंने देखा ये यूनिक चीज़ है। तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर वो वीडियो शूट कर लिया, उन्होंने बना लिया वीडियो बनाया। उस टाइम उनको दोस्त ने उनसे सवाल पूछा कि भाई साहब ये ट्रक आप कहाँ से लाए? तो भाई साहब सोच सोच कर बता रहे थे कि मैं तो ये अमेरिका से लाया। भाई साहब को ये पता ही नहीं था कि ये किस कंपनी का है और कहाँ से लाए हैं ये ट्रक। फिर भी भाई साहब फुल फेंक रहे थे, मतलब अंधाधुंध, जिसका कोई जवाब ही नहीं था। और भाई साहब ने बताया कि ये जब चालू होता है तो ये 300 की स्पीड पर चलता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं, वो 30-40 की स्पीड भी नॉर्मल अपने जो ट्रक चलते हैं वैसे ही उसकी स्पीड है और वैसे ही उसका कंट्रोलर भी है। तो रामस्वरूप जी भाई साहब ने बहुत कुछ फेंका, तो अपन सब ने उनका सच माना और 9.5 लाख जिन्होंने उनको देखा, और काफ़ी जगह उनकी क्लिप वायरल भी हुई। वो वीडियो बहुत जगह वायरल हुआ और 9.5 लाख पब्लिक ने उनको देखा। तो अब यही बताना है मेरा कि वो सारी झूठ थी, वो सारी अफवाहें थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ना ट्रक रामस्वरूप जी गुज्जर का है, और काफ़ी उनके अंदर कमेंट थी प्राउड की, कॉन्ग्रेचुलेशन की, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अपन किसी चीज़ को टारगेट नहीं करें, अपना तो ये कहना है कि ये जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल फेक है। भाई साहब की होटल पर वो ट्रक आया था और भाई साहब ने उसका वीडियो बनाया था। क्या पता भाई साहब के ट्रक तो ही वहाँ पे और भाई साहब ने वीडियो बना लिया, कुछ भी हो सकता है। और अपन ये भी बहुत सी जगह ये आ रहा है कि वो खनिज विभाग की टीम के साथ था, जहाँ हेलीकॉप्टर चल रहा था उसके नीचे राजस्थान में भी खनिज विभाग की टीमें आई थी, तो उसके साथ था। मैं ये भी नहीं कहता क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं है, पर मुझे ये डेफिनेटली पता है कि वो ट्रक रामस्वरूप जी गुज्जर का नहीं है, क्योंकि उसमें रामस्वरूप जी गुज्जर 10 बार सोच सोच कर एक चीज़ का जवाब दे रहे थे। रामस्वरूप जी गुज्जर को उतना पता नहीं था, तो अपन ये मान के चलते हैं कि रामस्वरूप जी गुज्जर का वो ट्रक नहीं था। तो मेरे सभी भाइयों से ये निवेदन है कि इस ट्रक की अफवाह से दूर रहें।